जंग में वही जीतता है जिसमें हौसले भर भर के हों, साथ ही हथियारों या लड़ने के तरीकों में आधुनिकता भी हो। इतिहास गवाह है कि पैदल सेना को घुड़सवारों ने हराया, धनुष बाण तलवार भालों को बंदूक ने हराया, बंदूक को मिसाइल ने हराया। जंग चाहे जमीन पर हो, गहरे पानी में हो या हजारों फीट ऊपर आसमान के सीने में, जिसके पास बेहतर तकनीक होगी, बेहतर हथियार होगा, वही बनेगा सिकंदर। दोस्तों, ऐसी ही नई तकनीक दुनिया ने देखी फाइटर प्लेन्स के रूप में। जब से मॉडर्न वॉरफेयर शुरू हुए हैं, तब से एयरफोर्स ने एक एक्स फैक्टर के तौर पर काम किया है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स ने ऐसा करके भी दिखाया। भारत को भी कारगिल वॉर जीतवाने में एयरफोर्स की बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत को कई युद्ध जीतवाने वाली इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? आखिर क्यों भारत अपने फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स को डेवलप करने में पीछे रह गया है? आखिर क्यों तेजस अपने प्रोडक्शन में पीछे चल रहा है? क्या ये लेट लतीफी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कभी चुनौती भी बन सकती है? क्या आज अगर भारत चीन में हवाई युद्ध हो जाए तो भारत जीत पाएगा? चीन हमसे कितना आगे है? क्या पाकिस्तान भी आने वाले सालों में हमसे बेहतर फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल करने वाला है? भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी डिफेंस डील की है? आज इन सब एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन, मेरा नाम है अमृत। अगर आसमान में कोई सबसे घातक हथियार है तो वो है फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स, आसमान का एपेक्स प्रेडेटर। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक केवल ऐसे प्लेन्स को फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स कहा जा सकता है जिनमें मेनली स्टेल्थ कैपेबिलिटी हो और जो अपने आफ्टर बर्नर को एक्टिव किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सके। स्टेल्थ कैपेबिलिटी मतलब रडार में न पकड़े जाने की खूबी, और आफ्टर बर्नर यानी इंजन के अलावा एक और सहायक बर्नर जिसकी हेल्प से एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न किया जाता है ताकि और ज्यादा स्पीड मिल सके। फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स में बाकी खूबियां तो होती ही हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस, रडार जैमिंग कैपेबिलिटी, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन एटसेट्रा। ये तकनीक इतनी जटिल है कि अभी सारे देश इसे हासिल नहीं कर पाए हैं। केवल कुछ चुनिंदा देश हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों, अमेरिका का F-22 रैप्टर दुनिया का पहला फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन है, जो फिलहाल ऑपरेशनल तो है लेकिन इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक लास्ट F-22 रैप्टर का प्रोडक्शन लॉकहीड मार्टिन ने दिसंबर 2011 में किया गया था। simpleflying.com के अनुसार दुनिया में फिलहाल पांचवी पीढ़ी के 3 फाइटर प्लेन प्रोडक्शन में है। ये हैं चीन का चेंगदू J-20, रूस का सुखोई SU-57 और अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग। क्या आप इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हैं कि अगर आसमान में तीनों फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स मौजूद हों और मुकाबला हो तो कौन जीत सकता है? अगर ऐसा कोई काल्पनिक मुकाबला होगा तो उसमें नो डाउट F-35 लाइटनिंग बाजी मार सकता है। लॉकहीड मार्टिन ने F-35 को दुनिया का सबसे घातक, टिकाऊ और कनेक्टेड फाइटर प्लेन बताया है। F-35 एक फुर्तीला, मल्टी रोल, उच्च प्रदर्शन वाला 9G कैपेबल मल्टीपर्पस फाइटर प्लेन है, जिसमें हाई क्लास स्टेल्थ कैपेबिलिटी, सेंसर फ्यूजन और सिचुएशन अवेयरनेस जैसे तामझाम लगे हुए हैं। यानी आज की जितनी भी एडवांस से एडवांस तकनीक हैं वो इसी में यूज हो रही हैं। F-35 करेंटली अमेरिका के F-16 और A-10 थंडरबोल्ट 2 की जगह ले रहे हैं। अमेरिका फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स को लेकर इतना सीरियस है कि ये देश आने वाले दशकों में लगभग 2500 F-35 खरीदने वाला है, जिसकी कॉस्ट लगभग $1.7 trillion बैठेगी। सोचिए, $1.7 trillion, ये एक बहुत बड़ी रकम है, यहां तक कि कई देशों की GDP से भी ज्यादा। वहीं लॉकहीड से उम्मीद है कि F-35 2070 तक सर्विस में बने रहेंगे। दुनिया के दूसरे फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन्स की बात करें तो लिस्ट में नाम है रूस के SU-57 का। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार सुखोई SU-57 रूस का पहला फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन है। नाटो ने इसको निकनेम दिया है फेलन, यानी क्रिमिनल या ऑफेंडर या हत्यारा। इसका काम बिल्कुल अपने नाम के अनुसार है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि रूस के पास मात्र 10 SU-57 जेट्स हैं। हालांकि रशियन मीडिया ने बताया है कि 2024 तक 22 और 2028 तक ऐसे 76 प्लेन्स बनाने की योजना है। ये प्लेन पहली बार 2018 में सीरिया में युद्ध में शामिल हुआ था। इसके अलावा रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि SU-57 ने यूक्रेन युद्ध में भी लड़ाई लड़ी है।
हालांकि विशेषज्ञ इसकी कई कमियों की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध में Su-57 जेट के उपयोग की कमी ये बताती है कि इस खतरनाक जेट की सो कॉल्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटी अप टू द मार्क नहीं है, यानी अभी इसमें कई कमियां हैं। बहरहाल Su-57 के अलावा दुनिया में एक और फिफ्थ जेन फाइटर प्लेन है और ये है चीन का चेंगडू J-20। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार चेंगडू J-20 ने 2011 में पहली बार उड़ान भरने के बाद 2017 में सर्विस देनी शुरू की थी, यानी रूस से पहले ही चीन ने इसे डेवलप कर लिया था। सिंपल फ्लाइंग के अनुसार चीन का चेंगडू J-20 तकनीकी रूप से 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है, लेकिन अमेरिका इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं। ऐसा माना जाता है कि चेंगडू J-20 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स के मुकाबले प्रभावशाली प्लेन नहीं है। कई अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चेंगडू J-20 ने F-22 और F-35 दोनों की तकनीक की नकल करने की कोशिश की है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चीन के पास 200 से अधिक J-20 हैं। इसके अलावा तुर्की अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन विकसित कर रहा है, जिसे कान के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट में टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स आपस में सहयोग भी कर रही हैं। वहीं साउथ कोरिया का 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन का नाम है KF-21 बुरामे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई भारत तो इस लिस्ट में है ही नहीं, है कहां? नभः स्पृशं दीप्तम्, यानी गौरव के साथ आकाश को छूना, ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। इसको गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह कृष्ण जी ने तब कहा था जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विकराल दिव्य रूप दिखा रहे थे और भगवान का विकराल रूप आकाश तक पहुंच रहा था, जिससे अर्जुन के मन में डर पैदा हो रहा था। और इसी संस्कृत की लाइन को इंडियन एयरफोर्स जस्टिफाई भी करती है, क्योंकि भारत के पास फाइटर जेट्स का एक बड़ा जखीरा है जिससे कोई भी दुश्मन आसानी से डर जाएगा। भारत के पास 40 MiG-21, 115 जैगुआर, 47 मिराज 2000, 60 MiG-29, 259 सुखोई 30 MK-1, 33 तेजस, 36 डसॉल्ट रफाल जैसे खतरनाक जेट्स हैं। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है MiG-21। MiG-21 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किए गए सुपरसोनिक जेट फाइटर और इंटरसेप्टर प्लेन है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइटर प्लेन है, जिसकी 11,000 से अधिक यूनिट्स तैयार की गई और 60 से अधिक देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने भी 1963 में अपना पहला MiG-21 हासिल किया था। कई युद्धों और संघर्षों में इसने हिस्सा लिया है, लेकिन समय के साथ ये पुराना होता गया और इसमें कई तकनीकी खामियां भी आ गईं। इसमें अक्सर हादसे होते रहते हैं, आपको पता है, इनमें पायलटों की जानें भी गई हैं। इस कारण से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया। इसलिए इंडियन एयरफोर्स की योजना 2024-25 तक MiG-21 को स्टेप वाइज हटाने की है। अब जब ये हटेंगे तो इनकी जगह कोई तो लेगा, यही आता है LCA। LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इन्हें पुराने MiG-21 फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोटा हरिनारायण LCA के प्रोग्राम डायरेक्टर और मुख्य डिजाइनर थे। LCA को DRDO के अधीन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा इसे बनाया जाता है। फिर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे LCA को तेजस नाम दिया। ये अपनी श्रेणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा, टेललेस, मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। हवा से हवा, हवा से सतह, सटीक गाइडेड मिसाइल को ले जाने में सक्षम। हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता, 4000 किलोग्राम की अधिकतम पेलोड क्षमता, 1.8 Mach की अधिकतम गति और 3000 किलोमीटर की रेंज। अपने आप में ये इंडियन इंजीनियरिंग की मिसाल है। लेकिन दोस्तों, आज के इस एडवांस्ड तकनीकी युग में तेजस भी काफी नहीं, भारत को इससे भी घातक फाइटर प्लेन्स चाहिए। भारत को अपने लड़ाकू जहाजों के तर्कश में चाहिए एक ब्रह्मास्त्र। भारत को चाहिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद रूस और भारत 2007 की शुरुआत में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA कार्यक्रम के ज्वाइंट डेवलपमेंट करने को तैयार हुए थे। लेकिन ये FGFA सुखोई Su-57 पर बेस्ड था, यानी Su-57 में छोटे बड़े 43 मॉडिफिकेशन करके FGFA को बनाया जाना था। 2010 में यह तय हुआ कि इसी ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से भारतीय वायुसेना को 166 सिंगल सीट वाले और 48 डबल सीट वाले FGFA मिलेंगे।
लेकिन बाद में बहुत से रीजन के कारण परियोजना में देरी हुई, यहां तक कि परियोजना की शर्तें भी बदलनी पड़ी। फिर बाद में 20 अप्रैल 2018 को खबर आई कि भारत ने इस परियोजना को छोड़ दिया है। कारण बताया गया मेंटेनेंस और अदर एस्पेक्ट्स की बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट। अब परियोजना बंद हो गई तो एयरक्राफ्ट बनाना तो पॉसिबल था ही नहीं। अब भारत के सामने रास्ता था 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट को आयात करने का, इंपोर्ट करने का। लेकिन अक्टूबर 2019 में भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया ने साफ कर दिया कि देश SU-57 जैसे 5th जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा और इसके बजाय खुद ही 5th जेन फाइटर प्लेन्स को डेवलप करेगा, और इसलिए AMCA परियोजना लाई गई। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA यानी भारत के लड़ाकू विमानों के तर्कश का ब्रह्मास्त्र। इस प्रोजेक्ट की इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए आकी गई है। योजना के तहत AMCA के 5 प्रोटोटाइप एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स के सहयोग से संयुक्त रूप से बनाए जाएंगे। यानी डिजाइन फर्म के रूप में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी शामिल है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाएगा। फिलहाल भारतीय रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर AMCA परियोजना के डिजाइन और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के लिए एक रणनीति बना रहा है ताकि इस परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सके। द हिंदू के एक आर्टिकल के मुताबिक AMCA का डिजाइन तैयार है और प्रोटोटाइप 2028-29 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रोडक्शन 2032-33 से शुरू होने की उम्मीद है। लक्ष्य यह है कि इसे परियोजना की मंजूरी से एक दशक बाद यानी 2034 में सर्विस में शामिल करने के लिए तैयार किया जाए। अब सवाल यह आता है कि क्या AMCA के लिए इतनी देरी सही है और भारत को AMCA की इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, भारत के अगल बगल दो प्यारे प्यारे पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान। ये इतने प्यारे हैं कि भारत के दोनों दिशाओं में फैले इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। जाहिर है ऐसे शरारती पड़ोसी देशों के खिलाफ भारत को अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। अब समस्या ये है कि चीन ने फिलहाल 200 से अधिक 5th जनरेशन J-20 फाइटर प्लेन्स को ऑलरेडी तैनात कर दिया है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब तक भारत अपना पहला 5th जेन फाइटर प्लेन AMCA मैदान में उतारेगा तब तक तो चीन के पास कम से कम 1000 J-20 फाइटर प्लेन हो जाएंगे। सोचिए, भारत इतना पीछे रह गया है। पर ये तो कुछ भी नहीं, चीन बहुत तेजी से 6th पीढ़ी के फाइटर जेट तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2023 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने सोशल मीडिया पर अपनी 6th पीढ़ी के फाइटर प्लेन के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। इसके अलावा चीनी विश्लेषकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन J-20 तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका सहित अन्य देशों ने भी 6th पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करना शुरू कर दिया है। इससे भारत मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि न केवल भारत 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन तैयार करने से कोसों दूर है, बल्कि सीमा पार उसका विरोधी कहीं अधिक एडवांस्ड तकनीक को विकसित कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी J-31 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए चीन से संपर्क किया है और उसे ये प्लेन 2029 की शुरुआत में मिल सकते हैं। यानी भारत का पहला AMCA आने से बहुत पहले चीन से J-31 की खरीदारी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड होगा, जो पाकिस्तान के लड़ाकू बेड़े को आधुनिक बनाएगा और हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ा देगा। J-31 पाकिस्तान को इस क्षेत्र में निस्संदेह रणनीतिक लाभ देगा और ये बात भारत की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है, खासकर तब जब बीजिंग भी खुद बहुत अग्रेसिव रवैया अपना रहा है। लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की समस्या तो बाद की है, अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में कुछ और भी समस्याएं हैं। इंडियन एयरफोर्स की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की स्वीकृत स्क्वाड्रन्स की संख्या है 42। स्क्वाड्रन मतलब एक छोटी टुकड़ी जिसमें नॉर्मली 18 लड़ाकू विमान होते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इंडियन एयरफोर्स केवल 31 स्क्वाड्रन से काम चला रही है। इतना ही नहीं, वायुसेना के फाइटर प्लेनों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फाइटर प्लेन पुराने होने के चलते या तकनीकी खराबी से या किसी अन्य कारण से लगातार दुर्घटनाग्रस्त होते रहे हैं, पायलट की भी जान चली जाती है। इसलिए एयरफोर्स अब पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर प्लेनों को चरणबद्ध तरीके से अपने बेड़े से बाहर कर रही है। इसे समझिए कि बेशक भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए पुराने प्लेनों को हटा रही है, लेकिन नए फाइटर प्लेन्स और अन्य उपकरणों की सप्लाई में टाइम तो लगता ही है। मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में तैयार हो जाए।
आपको बताया गया कि मिग 21 की जगह पर तेजस LCA मार्क 1A को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर साल 16 तेजस फाइटर प्लेनों के प्रोडक्शन का टारगेट भी पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन इसमें HAL चाहकर कुछ कर भी नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन रूस वॉर के चलते इजराइल, रूस, डेनमार्क जैसे देशों के मैन्युफैक्चरर से इंपॉर्टेंट पार्ट ही लेट रिसीव हो रहे हैं। जैसे यूक्रेन रूस वॉर के बाद डेनमार्क ने तेजस में लगने वाले इंजन चार्ज एम्पलीफायर्स के निर्यात पर रोक लगा दिए। इसके अलावा तेजस MK-1A फाइटर प्लेनों में जिन GE-404 इंजन का उपयोग किया जाता है, वो इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है और GE को भी ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों से जूझना पड़ रहा है। GE ने साफ किया था कि वो सितंबर 2024 के अंत तक 16 इंजनों की सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर वो इस समय तक 2 इंजनों की भी डिलीवरी कर देता तो ये भी बहुत बड़ी बात होती। अब एक तरफ मिग 21 फाइटर प्लेनों को हटाना और दूसरी तरफ LCA तेजस के प्रोडक्शन में देरी, AMCA एक दशक बाद मिलेगा, तो अब क्या किया जाए? अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। इसी मजबूरी के चलते इंडियन एयरफोर्स को सुखोई 30 MK-1 जैसे फाइटर प्लेन्स को यूज करना पड़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं सुखोई 30 MK-1 फाइटर प्लेन्स की मशीनरी भी प्रभावित हो रही है। सीधी सी बात है, जो ज्यादा चलेगा वो ज्यादा घिसेगा तो इन्हें भी अपग्रेड करने की जरूरत होगी। ये है एक नई चुनौती। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत 5th Gen फाइटर प्लेन को डेवलप करने में पीछे है। देश फाइटर प्लेन्स की कमी का सामना कर रहा है और मौजूदा फाइटर प्लेन्स को अपग्रेड करने की भी एक चुनौती सामने है, लेकिन भारत को इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, फिलहाल भारत 500 से अधिक फाइटर प्लेन हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना रखता है और हाल ही में केंद्र सरकार ने 114 मल्टी रोल फाइटर प्लेन खरीदने का डिसीजन लिया है। लेकिन खास बात यह है कि भारत केवल उसी सेलर से खरीद करेगा जो पूरा प्लेन बनाने के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले, यानी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहता है और कंप्लीट प्रोडक्शन भी, वो भी भारत में। यह भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा मूव है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये डील लगभग $20 बिलियन की होगी। इस डील को हाल के समय में दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस डील में से एक माना जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की दौड़ में डसॉल्ट का राफेल, बोइंग का सुपर हॉर्नेट FA-18, SAAB का ग्रिपेन, लॉकहीड मार्टिन का F-21, रूसी मिग 35 और यूरो फाइटर टाइफून शामिल है। हालांकि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे है, भारत में प्रोडक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और खबर यह है कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस डिफेंस एंड सिस्टम्स भारत में ही फाइटर जेट इंजन बनाना शुरू करेगी। इस मामले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान एक अहम समझौता किया गया था। इस समझौते के अनुसार GE अपने F414 जेट इंजन की 80% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा, जो LCA तेजस MK2 वेरिएंट में यूज होगी। हाल ही में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एक और बड़ा फैसला किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी ने 240 सुखोई 30 MK-1 एयरक्राफ्ट के इंजन को खरीदने की मंजूरी दी है। इस इंजन को एरो इंजन कहा जा रहा है। ये 26,000 करोड़ रुपए की डील है। इन इंजनों की सप्लाई एक साल बाद ही शुरू हो जाएगी और अगले 8 सालों के भीतर ये सभी इंजन भारत को मिल जाएंगे। इन इंजनों में 54% कल पुर्जे स्वदेशी होंगे। ये कल पुर्जे HAL के कोरापुट कारखाने में बनेंगे। इन इंजनों से अपग्रेड होने के बाद ये फाइटर जेट पहले से कई गुना घातक और एडवांस्ड हो जाएंगे। मौजूदा वक्त में वायुसेना के पास 259 सुखोई विमान हैं और ये फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना के जेट विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा है। इन्हें अपग्रेड कर दिए जाने के बाद वायुसेना की एक बड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक बड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है। दरअसल HAL सुखोई 30 MK-1 में एक नया एडवांस्ड विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार लगाने वाला है। ये रडार सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमानों की क्षमता को 1.5 से 1.7 गुना तक बढ़ा देगा। स्वदेशी विरूपाक्ष रडार का डेवलपमेंट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया है।
विरूपाक्ष रडार की मदद से सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान लक्ष्य पर हवा से हवा में 100 किलोमीटर रेंज की अस्त्र वन मिसाइलें दाग सकते हैं। यानी इस रडार के लगने के बाद चीनों और पाकिस्तान के टारगेट पर अधिक प्रभावशाली तरीके से हमला किया जा सकेगा, साथ ही उनके हवाई हमलों को आसानी से रोका भी जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेट्स की कमी से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स के सामने चुनौती तो है, लेकिन उम्मीद की किरण भी दिख रही है। आखिरकार वो एयरफोर्स ही क्या जो चुनौतियों का सामना ही ना कर पाए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।